यहाँ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप जरा से भी नहीं करना भाई। अगर आप लोग स्किप करते हो तो ये वीडियो का मकसद और जो मैं ये वीडियो बनाया हूं इसका मकसद पूरी तरह से व्यर्थ जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग लकी पॉकेट लूट तो रहे हैं, सारे प्रोसेस लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनका क्लिक लेट से पड़ता है। वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कंप्लीटली बताने वाला हूं और लास्ट में जो बात बोलूंगा वो बात पे जरूर ध्यान देना, स्किप मत करना भाई। लास्ट में जो बात बोलूंगा मैं वो बात जरूर अमल करना, उसके बाद देखना लकी पॉकेट कैसे मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ओला पार्टी टू हगो या फिर ओला टू ओला हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो मैं भी स्प्लिट किया और अपने चैटरूम में एंटर किया। सपोज यहाँ पे एक लकी पॉकेट ओपन होने वाला है, ठीक है, तो सेकंड आईडी मैं रिसेंट रिकॉर्ड में रख दिया। अभी हमें करने क्या क्या है कि ये जो रिसेंट रिकॉर्ड में टोनी आर्यन ब्रॉड शो कर रहा है, सपोज ऊपर में लकी पॉकेट ओपन हुआ, इसे टच करके लकी पॉकेट एंट्री मारते हैं और ऑटो क्लिकर को प्रेस करते हैं, बस लूट लेते हैं। लेकिन अभी हमें करने का क्या है कि सबसे पहले उसे हमें प्रेस करके रखेंगे, पहले से ही कंटिन्यू रखेंगे प्रेस करके पहले से ही। जैसे ही लकी पॉकेट ऊपर वाला खुलता है बस छोड़ देना है और ऑटो क्लिकर पे प्ले कर देना बस, ठीक है। उस पर पहले से ही प्रेस करके रखेंगे और रखने के बाद जैसे ही ऊपर में लकी पॉकेट ओपन होता है बस उसे हमें छोड़ना है, सिर्फ जैसे ही छूटेगा वो आपका ऑटो क्लिकर पे प्रेस कर देना है। आपको 0.1 मिलीसेकंड का टाइम बचेगा और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको तेज क्लिक करना है तो, ठीक है। इसके बाद से आपको ये तो चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोन के सेटिंग्स में, ठीक है। तो सेटिंग्स में हम आ गए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि डेवलपर कैसे ऑन की जाती है, ठीक है। तो डेवलपर की कुछ सेटिंग्स में बताओ, सिर्फ दो सेटिंग्स बताऊंगा आप तमाम लोगों को, इसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमें खोजना डोंट कीप एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे हमें सिर्फ खोजना है डोंट कीप एक्टिविटी खोजना है, उसे इनेबल करना है, ठीक है। इनेबल करना है ये यहाँ पे डोंट कीप एक्टिविटी, ये देखो यहाँ पे है ना, इसे सिर्फ इनेबल करना है। इसके बाद आपको जाना है आपको विंडो एनिमेशन में, वो तो आप सभी लोगों को पता है कि ऊपर वाले को ऑफ करना है और नीचे वाले को दोनों को ऊपर में ऑफ करना और नीचे वाले को 0.5 करना है, सभी लोगों को ऐसे सेम करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस है। इसके बाद आपको सिंपली बैक जाना है, ठीक है। अब बैक जाने के बाद आपको फिर से सेटिंग्स में ही आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या है। पहले बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद फिर सेटिंग्स ओपन करते हैं। ये सेटिंग्स कहाँ गया, ये सेटिंग्स में पहले सेटिंग्स ओपन करते हैं। ये सेटिंग्स ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे ऐप्स में जाना है, ऐप्स, ठीक है। ऐप्स में जाने के बाद ऐप मैनेजर में जाना है और जाने के बाद ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, पहला नंबर ये है कि अगर हमें लकी पॉकेट लूटना है तो फालतू का एप्लीकेशन रखना नहीं है, वो बेकार जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास काम का एप्लीकेशन है तो उसको फोर्स स्टॉप करें या फिर कैचे क्लियर कर लें, फोर्स स्टॉप करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास रखना चाहते हो उस एप्लीकेशन को। कुछ देर के लिए लकी पॉकेट लूटना है तो उसे फोर्स स्टॉप ही कर दें तो बेहतर होगा। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि सारे एप्लीकेशन को बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ लकी ओला पार्टी है गो और ऑटो क्लिकर को ही सिर्फ ऑन रखें, बाकी के सारे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर दें। और जो ओला पार्टी है और हैगो है इसकी जो कैचे क्लियर है करते रहेंगे, एकदम जीरो करके रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद फिर ओला पार्टी ओपन करते हैं, ओला पार्टी ओपन करने के बाद सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद ये जो कैचे क्लियर है, कैचे क्लियर को भी हमें यहाँ से भी कैचे क्लियर करना है। हैगो पे जाते हैं, हैगो पे भी जाने के बाद वहाँ पे भी कैचे क्लियर आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको बेहतर क्लिक चाहिए तो आपको ये सारी करना है, उसके बाद फिर आप जाएं लकी पॉकेट में। जैसे मैं जाता हूँ अभी लकी पॉकेट में लूट के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पहले से प्रेस करके रखा हूँ, यहाँ पे बस इंटर करना है और प्ले करना है, ठीक है। ये पहले से ही प्रेस करके रखा हूँ, अगर ऊपर में लकी पॉकेट्स ओपन होते हैं सिंपली तो बस हमें सिर्फ ऊपर वो प्रेस जिसको किया हूँ ये रिसेंट रिकॉर्ड को छोड़ देना है और प्ले पे क्लिक करना। ध्यान से देखें इस चीज़ को, ठीक है। अभी लकी पॉकेट ओपन होने दो, ये देखो बस छोड़ना है, ये देखो
डायमंड मिला, बस एग्जिट करना है, रिफ्रेश एक बार दो बार कर ले, उसके बाद से फिर आपको वही सेम प्रोसेस करना है। एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ, एक और लकी पकड़ ऊपर होने देखो, तो ये देखो बस। अरे भाई तबाही मिलता है डायमंड, मतलब आप पागल हो जाओगे लूट करके। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जी हाँ, तो आप तमाम लोगों को ये सारी ट्रिक्स सारी सेटिंग्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन इसके बाद लास्ट में आप तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने फोन को अगर अच्छा क्लिकर बनना चाहते हो, अच्छा लुटेरा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको 6 GB का रैम होना चाहिए मिनिमम, प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और साथ साथ आपका जो फिजिकल स्पीड होता है, जो फिंगर का स्पीड होता है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप आकर के आप बढ़िया लुटेरा बन सकते हो, अच्छा क्लिक पड़ेगा, बढ़िया टॉप 5 में आप रह सकते हो। बाकी के और भी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के ही आऊंगा, तो प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।